हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ गोंद के लड्डू। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी टेस्टी बनते हैं और सर्दियों का तो ये खजाना ही कहलाता है। जी हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है गोंद के लड्डू, जो खास तौर पे सर्दियों में प्रॉब्लम्स आती है सभी को, लेडीज को तो खास तौर पर, सारा दिन किचन में जो लगी रहती है ना। चलिए बनाती हूँ मैं ये गोंद के लड्डू। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में देसी घी डाला और ये गाय का देसी घी लिया है। अब जब लड्डू बना रहे हैं तो बढ़िया चीजें डालेंगे ना। अब ये 1 कटोरी बादाम, और ये गोंद है 100 ग्राम के करीब, और ये थोड़ा सा मेथी पाउडर, मेथी दानों को पीस लिया था, और ये आटा 1 बड़ा बोल, और 1 ही बड़ा बोल बेसन। अब जब तक ये देसी घी गरम होता है तो मैं आपको बताऊं कि गोंद के वाकई में बहुत फायदे होते हैं। ये आपकी स्टेमिना और हेल्थ को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपको बीमार नहीं होने देता सर्दियों में, खासतौर पर जब कोल्ड और कफ हो जाता है तब। अब मुझे कोल्ड और कफ हो गया तो इसलिए मैंने लड्डू बनाने की सोची कि चलिए लड्डू जरूर बनाऊंगी ताकि मैं ठीक रहूं पूरे सर्दियों तक। क्या आवाज आ रही है, वाह। और इसके अलावा जो गोंद होता है, ये जो विटामिन डी होता है ना, उसके लेवल को भी ये बढ़ा के रखता है, मेंटेन करता है आपकी बॉडी में, और जॉइंट्स और कमर दर्द के लिए तो बेस्ट है ही। ये लुब्रिकेट करता है आपके जॉइंट्स को, और बैक पेन जो हो जाता है ना उसके लिए, तभी तो कहते हैं कमर कस। पहले के लोग बनाते थे कमर कस लड्डू, जिसे नाम देते थे, यानी कि पेन नहीं होगा आपको। अब ये तल चुके हैं, अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब ज्यादा इनको स्ट्रेन नहीं करना है क्योंकि घी है, और घी रहेगा लड्डुओं में, जब तक घी अच्छा सा नहीं होगा तो बंधेंगे नहीं। देखिए, घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज्यादा, और बाद में भी डाल सकते हैं जब वो मिक्सचर बनता है, तो उसके बाद भी आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी घी के अंदर मैं बादाम भी तल देती हूँ। बादाम को लो मीडियम फ्लेम पे ही तलना, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं, नहीं तो बिल्कुल जल जाएंगे। अंदर से थोड़े से भुनने बहुत जरूरी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्त, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं और नए नए वीडियो लेकर आती रहूंगी आपके लिए। वैसे कोशिश है अभी कि हर फ्राइडे एक वीडियो डालूं। पिछले 2-3 वीडियो मैंने सिंगिंग के डाले, लोगों को काफ़ी पसंद आए, एप्रिसिएशन मिला। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। अब ये बादाम पूरी तरह से मतलब तल चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों आरजे सुषमाज वर्ल्ड, और मेरी दुनिया में बहुत कुछ है आपके लिए। इसी तरह की वीडियोस, रेसिपीज भी, खाने पीने की रेसिपीज भी आपके लिए आती रहेगी, और गाने भी आप सुनते रहेंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं सिंगिंग से, तो आप स्टार मेकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। शौक पूरे करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़िंदगी में अगर आपने अपने शौक पूरे नहीं किए तो मज़ा नहीं आता। अब हम भूनेंगे आटे को। तो ये मैंने आटा डाल दिया, और साथ ही साथ मैं इसमें बेसन भी डाल दूंगी। आप चाहें तो केवल बेसन के भी लड्डू बना सकते हैं गोंद के साथ, या केवल आटे के भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। अच्छे लगते हैं, तो कलर थोड़ा सा इनका चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा येलोइश जब हो जाता है तो मुझे पसंद है। वैसे पंजीरी भी आप बना सकते हैं लड्डू की बजाय, जीरे में ये होगा कि आप कुछ भी आइटम डाल दीजिए उसके अंदर, और फिर बांधने की जरूरत नहीं है, थोड़ा घी का कम इस्तेमाल होता है, जीरे का ये एक फायदा है। लेकिन एक नियम बनाना है मुझे कि एक लड्डू रोज खाना है, क्योंकि सर्दियां निकालनी है मुझे ये 2-3 महीने। आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा ना कि हल्का सा कोल्ड है सुषमा को। जी हाँ, हल्का सा कोल्ड है, कि घी आप चाहे तो और डाल सकते हैं, क्योंकि भूनना बहुत जरूरी है आटे को अच्छे से, तो घी पड़ेगा इसमें, तो वो आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। अब घी तो मैंने डाल दिया इसमें, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ
मेथी दाना पाउडर। देखिए मेथी भी बहुत फायदेमंद साबित होती है, ये भी घुटनों के दर्द के लिए बहुत सही रहती है या कमर दर्द के लिए बहुत सही रहती है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मेथी पाउडर डाला है और ये साथ ही साथ डाल दिया ताकि ये भी भून जाए। और इसको आप अच्छे से भूनिए, जल्दी जल्दी भून रहा है। देखिए अब कलर भी इसका चेंज होने लगा है, हल्का ब्राउन और येलोइश हो रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा भूनने के लिए, लेकिन भूनने के बाद ये जो मिक्सचर है ये बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है बनाने ये लड्डू, तो बनाएं जरूर, आलस ना करें। अब ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, भुन गया है अच्छे से। इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देंगे। और दूसरी तरफ ये जो हमने गोंद तला था इसको एज इट इज नहीं डालेंगे, काफी बड़े पीसेस हैं तो थोड़ा सा इनको रई की हेल्प से, ये लकड़ी की मेरे पास रई है, आप किसी से भी को हल्का सा क्रश कर लीजिए। थोड़े से दरदरा जब टेस्ट आता है क्रंची लड्डुओं में तो बहुत मजा आता है, तो मैंने इसको इसकी हेल्प से हल्का सा दरदरा तब कूट लिया। और बादाम को तो मैं रई से नहीं कूट सकती, तो इसको मैं हल्का सा मिक्सी से दरदरा इसको पीस लूंगी। ये देखिए मिक्सी से पीस गया, ये बीच बीच में साबुत भी है। और ये हमारा जो आटा था भुना हुआ बेसन और आटा, इसको हल्का सा ठंडे होने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम ये सारी चीजें मिला देंगे। बादाम डालने के बाद इसमें हम डालेंगे गोंद जो हमने क्रश करके रखा हुआ था, इसको भी इसमें मिला दीजिए। और अब डालूंगी इसमें मैं मीठा, मीठे में मैं चीनी नहीं डालूंगी, उसकी जगह मैं ले रही हूं एक कटोरी खांड। अब देखिए जो बोल मैंने आटा लिया था यानी कि उसका हाफ तो कम से कम पड़ेगा इसमें, यानी 2 कटोरे आटा हो गया था, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी गेहूं का आटा, तो 1 ही कटोरी ये खांड पड़ जाएगी, तभी उसका मीठा टेस्ट मतलब बैलेंस रहेगा मीठापन। और ये मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ छोटी इलायची, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। छोटी इलायची को मैंने पीस के रखा हुआ है। ये चीनी के साथ मैंने पीस लिया था क्योंकि चीनी के साथ पीसने से वो बहुत ही आसानी से पीस जाती है। अब इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा गर्म है ये आटा अभी भी, तो इसलिए थोड़ा चम्मच की हेल्प से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप थोड़ा ज्यादा देर तक ठंडा होने रख सकते हैं तो फिर हाथ से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि लड्डू तो हाथ से बनेंगे। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करने के बाद, अब ये मिक्स हो गया है अच्छे से, अब चम्मच को हटा के रख दीजिए और अब आप बनाना शुरू करिए गोंद के लड्डू गोल गोल। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मतलब बन जाते हैं, बंध रहा है ये लड्डू। थोड़ा सा टाइम लगता है, अब मैं हलवाई तो हूं नहीं जो फटाफट दोनों हाथों के साथ लड्डू बनाना शुरू करूं। मैं देखती हूँ कई बार हलवाइयों को देखा है मैंने, कब दोनों हाथों से इतनी जल्दी स्पीडली लड्डू बना देते हैं। अब मुझसे इतनी जल्दी तो नहीं बनते, लेकिन हाँ आराम आराम से करोगे तो हो जाता है। जरूर बनाइए, आलस मत करिए, सर्दियों में अगर आपको फिट रहना है तो ये जरूर लड्डू बनाइए, गोंद के लड्डू बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं ये लड्डू। अभी इसी तरह और भी सारे लड्डू बनाते जाइए, धीरे धीरे बन जाएंगे। बीच में ये जो बादाम आता है ना बहुत ही मजेदार लगता है, बीच में जो बादाम का टुकड़ा आता है साबुत। इसी तरह मैंने काफी लड्डू बना दिए जिन्हें मैंने एक प्लेट में मैं रखती जा रही हूं। ये
ये देखिए बादाम, ये जो दिख रहा है ना, जब आप खाएंगे लड्डू तो बहुत क्रंची टेस्ट देगा। ये लड्डू काफी बन चुके हैं, ये मैंने बना लिए। थोड़े से और बना दूं ताकि एक कटोरे में सर्व करूं तो वो कटोरा खाली ना रहे। आगे मैंने एक मतलब बोल ले लिया, उसमें मैं लड्डू रखती जा रही हूँ। आपको दिखाने भी तो है कि कैसे लग रहे हैं भाई। ये लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें एक कंटेनर में रख लीजिए, एयर टाइट कंटेनर में। महीना चलेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। महीना क्या डिपेंड करता है ना, आपने कितनी क्वांटिटी में बनाए हैं। 2 महीने चलाइए, लेकिन इतने टेस्टी हैं कि 1 महीने भी नहीं चलेंगे, खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। लड्डू बनकर तैयार हैं। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।